जीवन आसान नहीं है, है ना छोटे दोस्त। जहां कुछ पैदा होते हैं दावत के लिए, वहीं कुछ को केवल बचा खुचा नसीब होता है, वो भी भीख मांगकर। जो भी तुम देख रहे हो, सब कुदरत ने एक नाजुक संतुलन में बांध रखा है। जहां सभी कुछ ना कुछ पाने की खोज में रहते हैं, वहीं एक सच्चा राजा ये देखता है कि वो क्या दे सकता है। भाग जाओ सिम्बा और कभी मत लौटना। जीवन चक्र में तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। हाँ तो बच्चों, अभी आपने ये छोटी सी मूवी देखी, उससे आपको कुछ समझ मिली होगी इस स्टोरी के बारे में। हमारी स्टोरी है द लॉयन किंग। किंग होता है राजा, लाइन शेर। इसका प्रीडिंग भाग क्या कहते हैं? डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? इफ यस, यदि हाँ, नेम एनी स्टोरीज यू मे हैव हियर्ड और रेड। किसी एक कहानी का नाम बताओ जो तुमने या तो सुनी हो, हियर्ड सुनना एंड रीड पढ़ना, या फिर आपने पढ़ी हो। Have you heard any story about animals of the forest? क्या तुमने कभी जंगल के जानवरों की कहानी सुनी है? Who is the king of the forest? जंगल का राजा कौन होता है? Why is he called the king of the forest? और उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? आइए इसको जानने के लिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। मेरा साम्राज्य कभी बहुत सुंदर होता था। द ब्यूटीफुल, सुंदर, किंगडम, साम्राज्य। The forest had been full of tall trees. Forest, जंगल, full of tall trees, tall लंबे trees, पौधे। जंगल जो है वो full of मतलब लंबे लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। Taller than your tallest building. Taller than your tallest building, कि वो आपके जो भवन है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है शहरों में, उनसे भी लंबे पेड़ जो है वो जंगल में थे। Well, not only tall trees, केवल लंबे लंबे पेड़ नहीं, there were climbers, climbers होती हैं बेल, लताएं, bushes, झाड़, and shrubs, झाड़ियाँ, जो झाड़ियों के गुच्छे होते हैं, and grass too, और grass क्या होता है? हरा हरा घास भी जो जंगल में था। The forest looked beautiful with water springs. जंगल जो है वो बहुत सुंदर दिखता था। Looked beautiful with water springs, पानी के झरनों से, pools, तालाबों से, hills, पहाड़ियाँ, valleys, घाटियाँ, and many a wonderful scenery. सीनरी होता है दृश्य, wonderful अद्भुत, और बहुत सारे अद्भुत दृश्यों से। Deers, tigers, elephants, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्स, पीकॉक, मैनाज, आउल्स, पीजेंस एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। डियर्स, हिरणे, टाइगर्स, चीते, एलिफेंट्स, हाथी, बियर्स, भालू, मंकीज, बंदर,
क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, पीकॉक्स सॉरी वॉल्व्स भेड़िए, पीकॉक्स मोर, मैनर्स मैना पक्षी, ओल्स उल्लू, पिजियंस कबूतर एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे जीव जंतु अमोंग माई सब्जेक्ट जो मेरे अधीन आते थे, साम्राज्य के अधीन आते थे। वी हैड अनफ फूड, हमारे पास टू ईट खाने को पर्याप्त भोजन था, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक और पीने को पर्याप्त मात्रा में पानी, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा बहुत आयत, वाटर टू ड्रिंक और पीने को बहुत पानी था। माई बर्ड्स मेरे पक्षी सेंग गाना, मतलब सेंग होता है गाना, कोई भी गीत हम गाते उसको सेंग बोल, सिंग सेंग संग, स्वीटेस्ट सॉन्ग मेरे जो पक्षी हैं वो बड़ा स्वीटेस्ट मधुर, मीठी से भी मीठा मधुर मीठे मीठे गीत गाते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेस्ट, मेरे जो जानवर पशु थे रैन दौड़ना, द लॉन्गेस्ट रेस्ट लंबी लंबी दौड़ें लगाते थे। आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे, द कव्स कब होता बच्चों शेर का बच्चा, लैम्स भेड़ बकरी का, लैम्स मेमना जिसको हम बोलते हैं, फांस हिरण का बच्चा, मूड दौड़ते हैं, अबाउट फ्रीली विदाउट फेयर वो कहते हैं वहाँ पर बिना किसी डर के आज़ाद स्वतंत्र होकर इधर उधर टहलते थे दौड़ते थे खेलते थे। वी आल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, हम सब बड़ी खुशी खुशी जंगल में रह रहे थे, आवर होम हमारे घर पर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे लेसन को, आपने इस लेसन को ध्यान से दोबारा से सुनना है और इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है आपने इसको। तो बच्चों इसके वर्ड मीनिंग करते हैं हम, स्टोरी कहानी किंगडम साम्राज्य, बिल्डिंग भवन, वॉल्स भेड़िए, बसेस झाड़ियाँ, शर्ब झाड़, क्लाइंबर बेलें, स्प्रिंग झरने, पुल तालाब, वैली घाटी, अनफ काफ़ी, प्लेंटी ऑफ पर्याप्त मात्रा में, वंडरफुल अद्भुत सीनरी दृश्य, ये सभी वर्ड मीनिंग आप साथ के साथ कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।